बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं आम का पन्ना, और ये एक बहुत ही हेल्दी शरबत है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, जो कि पके हुए आम और कच्चे आम से मिलकर बनता है। तो आइए देखते हैं कि हमें आम पन्ना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम आमों को छील कर काट लेंगे। एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि जो पका हुआ आम है वो कच्चे आम से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर कच्चा आम जो है वो हाफ बाउल है तो पका हुआ आम फुल बाउल होना चाहिए। आम छील लिया है, अभी हम इसको काट लेंगे। अब पके आम के बाद हम कच्चा आम भी छील लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा आम जो है वो हमने काट लिए हैं, अब इसको डालेंगे ग्राइंडर में। पका हुआ आम और कच्चा आम, ये देखें, पका हुआ आम जो है कच्चा आम उसकी निस्बत आधा होना चाहिए। आम डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी। चीनी डालेंगे हसबे जायका 1 से 2 चम्मच, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक, और अब इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें, हमारा आम का पन्ना जो है वो हो चुका है तैयार। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अब हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा आम पन्ना हो चुका है तैयार। अब आप इसको ठंडा करने के लिए इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बर्फ़ डालें और इसको एंजॉय करें। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा आम पन्ना कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जूस कैसा लगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।